मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैथ की पाठ्यपुस्तक देखते हैं। संख्याओं, व्यक्तियों के नाम एवं शहरों के नाम एवं पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार विन्यास। आयताकार ही तो होता है, आयताकार भी जो विन्यास प्राप्त होता है उसे अव्यय कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, ये मैट्रिक्स है। कभी आप ऐसे लगा दो, ये सारणिक का हो गया, ये सारणी का चिन्ह बोलते हैं इसे, ये आयताकार हो गया। 2, 3 माइनस का 1, 1, 5 और 2। अब ये आपको कैसे पता चले कि ये 3/2 का है, 2/3 का है? इसमें ये देखो, मेन चीज़ कॉमन ये देखते हैं कि ये रो है, ये क्या है इसमें, ये रो है, ये क्या है रो, और ये क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम कितने हो गए 3, रो कितने हो गए 2। पहले ये याद रखना, 2 लिख के जाते हैं, पहले रो लिख लेते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। समझ में आ गया सभी को? चार अब देखते हैं, अब कोई प्रश्न है तो प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ए इज इक्वल टू, यार, ए इज इक्वल टू ए आई और जे। ए क्या है, 3 × 2 क्या है, एक क्रम है मैट्रिक्स का। इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को, ए आई और जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो मैट्रिक्स में ए ज्ञात कीजिए, ए क्या है, मैट्रिक्स क्या है ज्ञात करना अपने को, ए का मान। मैट्रिक्स देखते हैं अपन, एग्जांपल नंबर फोर कोई सब ले नंबर सकते हैं। क्या होना चाहिए, 3/2 का होना चाहिए। तो 3/2 का होना चाहिए, a11 a12 a21 a22 a31 a32। 3/2, पहले रो आते हैं फिर क्या आते हैं कॉलम, 3/2 का है। सॉल्यूशन करते हैं, ए आई और जे प्रश्न में दे रखा है, आई प्लस और जे होता है, आई का मान 1 है, जे का मान भी अपन ने दे रखा है 1 है, तो इज इक्वल टू 2। a11 a12 का हो गया a+2, 1+2 इज इक्वल टू 3, 2+1 इज इक्वल टू 2+1 इज इक्वल टू 3, a22 इज इक्वल टू 2+2 इज इक्वल टू 4, a31 इज इक्वल टू 3+1 इज इक्वल टू 4 और a32 इज इक्वल टू 3+2 इज इक्वल टू 5। मैट्रिक्स में लिख लेते हैं सही क्रम में, a11 की जगह 2 आ जाएगा, a12 की जगह 3 आ जाएगा, a21 की जगह 3 आ जाएगा, a22 की जगह 4 आ जाएगा, a31 की जगह 4 आ जाएगा और a32 की जगह 5 आ जाएगा। ये हो गई 3/2, ये क्या हो गई रो, ये रो हो गई और ये क्या है कॉलम हो गया। दैट्स ऑल इजी। नुकसान लेते हैं अपन, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ए इक्वल टू ए आई और जे, एक क्या है 2/3 का मैट्रिक्स पूछ रहा है, 2/3 का मैट्रिक्स क्रम दे रखा है, ए आई और जे इज इक्वल टू क्या दे रखा है प्रश्न में, 2i-3j। मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए, ज्ञात करते हैं 2/3 यानी कि रो तो कितने लेते हैं 2, कॉलम कितने लेना 3, a11 a12 a13 a21 a22 a23 क्या है, रो कितने लेना अपने को 2, कॉलम कितने लेना 3, पहले कॉलम लिखते हैं वो सॉरी पहले रो लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। तो ये प्रश्न हो गया, तो अब 2 आई का मान दे रखा है 1 माइनस
तीन प्रश्न में दे रखा है। जे का मान क्या है, एक इजिकल टू टू वन जा टू माइनस थ्री वन जा थ्री इजिकल टू माइनस का वन, ए वन वन ए वन टू इजिकल टू टू वन माइनस थ्री टू इजिकल टू टू माइनस थ्री टू जा सिक्स इजिकल टू माइनस का फोर, ए वन थ्री इजिकल टू टू वन माइनस थ्री थ्री इजिकल टू टू वन जा टू माइनस थ्री जा नाइन इजिकल टू माइनस का सेवन, ए टू वन इजिकल टू 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 माइनस थ्री वन इजिकल टू 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 जा फोर माइनस थ्री वन जा थ्री इजिकल टू वन, ए टू टू इजिकल टू 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 माइनस थ्री टू इजिकल टू 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 जा फोर माइनस थ्री टू जा सिक्स इजिकल टू माइनस का टू, ए टू थ्री इजिकल टू 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 माइनस थ्री थ्री इजिकल टू 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 जा फोर माइनस थ्री थ्री जा नाइन इजिकल टू माइनस का फाइव। ए वन की जगह क्या जाएगा, माइनस का एक, ए वन टू की जगह माइनस का फोर, ये सभी लिखते हैं। माइनस का वन माइनस का फोर और माइनस का सेवन, वन माइनस का टू और माइनस का फाइव, ये क्या हो गई, एक मैट्रिक्स तैयार हो गई अपनी, डैट सिंपल। अब देखते हैं मैट्रिक्स की टाइप। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्ति रो एक दो तीन, ए इजिकल टू बी इजिकल टू, रो एक क्यों होना चाहिए, पंक्ति एक होनी चाहिए, हो गया एक बाई चार, ओ सॉरी तीन, एक बाई एक। स्तंभ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कॉलम कहते हैं। ए इजिकल टू एक दो तीन चार, ओके चार बाई एक, इसमें क्या है रो कितना है एक दो तीन चार, कॉलम कितना है एक मान ली इसमें, इसलिए स्तंभ मैट्रिक्स को सब ले सकते हैं, पाँच छः दो, ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स है, ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स है। दूसरे देखते हैं, तीसरा देखते हैं, इसमें क्षैतिज मैट्रिक्स,